अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल फकीर विद नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, आज की जो सी हम लोग आपको डिश सिखा रहे हैं वो है फ्रूट चाट, और ये चाट बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो आज हमने सोचा कि अपने जो YouTube की फैमिलीज के साथ चाट की रेसिपी को शेयर किया जाए। तो ये कैसे बनेगी ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये अनार मैंने ले लिए हैं, ये अमरूद है, ये अंगूर है, तो नीचे सेब भी हैं, केला है, नींबू भी है इसमें रखे मैंने नीचे है नींबू। इन सबको ना मैं काट के ना मिक्स करूँगी। ये मसाले हैं, मिर्चें हैं थोड़ी सी मैंने ली है, ये चाट मसाला लिया है, नमक है थोड़ा सा, ना मैंने ना चीनी ना डाल लिया है डोंगे में, तो वो साथ ही फूलोगे ना, मतलब हाँ जी बोल में वो साथ ही मिक्स हो जाएगी ना, वो मीठी भी चाट अच्छी लगती है ना साथ। चीनी जो मैरिज हो जाएगी जब आप फ्रूट्स को कट करेंगे तो चीनी मोटी होती है ना साथ। ये केले ले लिए मैंने, दो तीन रंग के फल हैं ये, माशाल्लाह आप काटूंगी मैं फिर आपको दिखाऊंगी, बहुत मजे की चाट बनेगी ये। तो मतलब आप लोग अब घर में बासानी फ्रूट चाट बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बाजार जैसे तो फ्रूट्स हम लोगों ने आपको दिखा दिए, आप अपने मतलब का और भी ऐड कर सकते हैं या आप जो नहीं पसंद वो आप उसको। हाँ जी, इसमें ज्यादा ये है कि एक शकरकंदी डाल लें और हाँ, या चने डाल लें, बस ये फ्रूट हाँ, चाट तो यही होती है। लगी थी क्रीम की भी बनती है ना, क्रीम डाल सकते हैं ना इसमें, आलू नहीं शकरकंदी डालते हैं बस। हाँ वही मैं पूछने लगी थी कि चने और ये कुछ होती है ना चीजें, तो मतलब वो डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो वो चीजें आप लोग शामिल कर सकते हैं। मसाले सिर्फ हम लोगों ने तीन लिए, ये क्या चाट मसाला गरम मसाला? नहीं चाट मसाला, गरम मसाला तो पड़ता ही नहीं इसमें बेटा। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, वैसे मैं बता रही हूँ आपको, अभी आता नहीं ना पकाना। हाँ जी, तो हाँ मुझे पता चला इसलिए मैंने जरा व्यूअर्स की सानी के लिए हाँ जी, बच्चों को समझाना पड़ता है ना। ठीक है, और नमक और ये मिर्च, हाँ थोड़ी सी चीनी डाल लें बस, जरा और नींबू निचोड़ के ना डालेंगे उसका पानी। ठीक है, मतलब खटास के लिए आपने नींबू लिए, इतने ज्यादा भी नहीं डाले बस अंदाजे से, बस जितना फल हो ना उस हिसाब से डाल लिया। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो फ्रूट्स हैं, ये मैंने फल धो लिया ना सारा, अब मैं काटूंगी आराम से छील के, इनको हम लोग अब काट लेते हैं और फिर दोबारा दिखाते हैं जो हमारी फ्रूट चाट है वो हम लोगों ने कैसे बनानी है। हाँ जी ऐसे, ठीक है ऐसे, हाँ जी। ये सेब मैंने काट भी लिए हैं, अमरूद भी, सेब भी, ऐसे तो लेके ना इतनी अच्छी मसालों की आ रही है। आप मसाले डाल दिए ना इसके अंदर? हाँ जी मसाले मैंने डाल दिए, फिर मिक्स करूँगी ना मैं। ये देखें सेब भी ऐसे मैंने ना काट दिए, सब फल अपनी मर्जी से काट लें, चाहे बड़ा बड़ा काट लें, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना काटें ये भी वो अच्छा नहीं लगता। ये देखें ऐसे ऐसे करते हैं जल्दी से काटा गया, ये देखें माशाल्लाह सारा फल है इसमें। ठीक है, तो अब अपने व्यूअर्स को आप वो दिखा देते ना कि जो अनार वो मैं अभी काटती हूँ ना, ये केले कर दूँ ना अभी, ये ठीक है ये केले काट दूँ ना अभी, सारे फ्रूट्स वही जो हमने आप लोगों को दिखाए हैं हम लोगों ने उनको काट लिया है, मसाले भी हम लोगों ने डाल दिए हैं, और जैसा कि आपको बताया था कि हम थोड़ी सी स्वीटनेस वो मैंने ना नींबू भी निचोड़ दिए इसमें। अच्छा तो अच्छा मैं अब आपको ना वो अनार काट के दिखाऊँ ना जी। ये देखें मसाला मैं आपसे चम्मच के साथ खाऊँगा आपको, ये देखें सारा फल अभी मैंने ना अनार मिक्स करना है इसमें। ठीक है, तो अनार को मतलब थोड़ा काटना डिफिकल्ट होता है, तो हमने ये सोचा कि अपने व्यूअर्स को वो भी दिखा देते हैं कि वो लोग जो नए हैं जिनको मतलब नहीं फल वगैरह काटने का पता, तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ आती। ये सारा फल मिक्स हो गया, अच्छा ये मैं बाद में आपको दिखाती हूँ, काट लें ऐसे। ठीक है, ये काट लिया ना आपने अनार ऐसे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे करें। हाँ ये देखें अभी कैमरे में नहीं आ रहा, हाँ ऐसे निशान लगा लें आप इसे ऐसे, जैसे हम लोग मौसमियों पे लगाते हैं। हाँ जी अब ये ना मैंने ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है इसका, ये देखिए वैसे भी ना के अच्छा बारे में कहा जाता है अच्छा, कि जन्नत का जो एक दाना। अच्छा आपने ना ऐसे चम्मच लेना है, आप थोड़ा ऊपर कर लेना थोड़ा सा कैमरा कैमरा ऐसे, ये देखे आराम से निकल आएंगे, ये देखे ये देखे निकलने शुरू कर इजीली। हाँ जी ये देखिए ना आराम से बिल्कुल खिला खिला दाना, मतलब मैश भी नहीं हुआ, दाना खराब भी नहीं हुआ, तो ये है सही हाँ तरीका। अगर आपने जूस भी निकालना है ना तो आप ऐसे करके ना फिर जूसर में डाल दें तो आराम से जूस भी निकल आएगा, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और साफ सुथरा घर का ना मिल जाता है जूस। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमने आपको तरीका दिखा दिया, तो वो आपको व्यूअर्स दिखाते हैं। और देखिए अल्लाह ताला की शान कितना प्यारा कलर है, अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हमें दी हैं, जितना अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें उतना कम है। देखिए कितना प्यारा कलर है। तो अब हम लोग अपने व्यूअर्स को इसका फाइनल लुक दिखाएंगे चार्ट का, तो भी हम लोग सारी तैयारी कर लेते हैं। हाँ जी, ये मैं आप उसमें डालूंगी ना, और भी अनार निकाल के। ठीक है, ये मैंने कहा चलो मैं आपको, आप लोगों ने देख लिया कि नार निकालने का तरीका भी हमने आपको दिखा दिया, फल भी हमने आप लोगों के सामने काट लिए। तो आज जो से मज़ेदार सी फ्रूट चाट हमारी तैयार हो रही है, आप लोगों ने इसको ज़रूर अपने घर में बनाना, अपनी फीडबैक ज़रूर देनी है जी। तो व्यूवर्स ये देख लें, आज जो हम लोगों ने फ्रूट चाट बनाई है उसका फाइनल लुक और डेकोरेशन देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी मैंने की है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो इसकी डेकोरेशन है वो भी अच्छी लगेगी। और चाट चाट का तो क्या ही कहना, वो तो बनी ही बहुत मज़ेदार है, और जो इसके मसालों की खुशबू आ रही है, आप लोग इसको बनाएं और हमें अपनी फीडबैक दें और बताएं कि जो सी मज़ेदार सी हम लोगों ने फ्रूट चाट आज आपको सिखाई है वो आपको कैसी लगी है। बहुत आसान है, आप लोग इसको अपने घर में बना सकते हैं, फ्रूट्स घर में मौजूद होते हैं तो लोग वैसे मतलब फ्रूट नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते, लेकिन इस तरह चाट की शक्ल में आप बच्चों को सारे फ्रूट्स भी दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं, थोड़ा टेस्ट भी जो है फ्लेवर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आज हमने आपको ये जो चाट की रेसिपी है ये सिखाई है, तो आप लोग इसको बनाएं और इंशाल्लाह आप लोगों को जो सी हमारी ये चाट की रेसिपी अच्छी लगेगी। तो व्यूअर्स जिस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, जो आपको स्वीट के हवाले से भी हम लोग सिखाएंगे और हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं चटपटे हमारे खाने वो भी हम आपको सिखाते रहेंगे, इन सब चीज़ों के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। और इस सब और इन सब चीज़ों के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो हमारे चैनल को भी दादा को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह हाफिज़।